अरे बाप रे, मेहता साहब इतनी जल्दी आ गए? बच्चे घर में पार्टी कर रहे हैं, उनको बताना होगा। हाँ बोलिए अब्दुल भाई। अरे बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, मेहता साहब आ गए। क्या? जितना जल्दी हो सके सब समेट के बाहर निकलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। फ्रेंड्स, अरे फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, मेहता अंकल आ गए। मेहता अंकल भागो यहाँ से जल्दी। अरे भागो, एक मिनट, अभी आ ही गए तो आ जाने देते हैं, कह देंगे कि पार्टी कर रहे थे। यार गोली, तू कैसी बात कर रहा है? हम मेहता अंकल को बिना बताए उनके घर में घुस के पार्टी कर रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और ये बात बाबा तक पहुंच गई तो वो कितना डांटेंगे। अब हम चाहकर भी सच नहीं बता सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। अरे ये सब तो उठाओ। क्या बात है मेहता साहब, आज इतना जल्दी आ गए? अब्दुल, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है जल्दी आना। हालांकि ऑफिस में थोड़ा सा काम था, लेकिन मैंने सोचा बाकी का काम घर जाके कर लूंगा। चलो चलता हूँ। एक मिनट, बातें करते ना। अब्दुल, कोई और दिन होता तो जरूर बातें कर लेते, तुमसे बातें करना अच्छा भी लगता है, लेकिन आज थोड़ा थका हुआ हूं यार, इसलिए चलता हूं। ओके, थक गए? मैं भी मस्त लींबू मार के फर्स्ट क्लास सोडा बनाकर पिलाता हूँ आपको, आपकी थकान गायब हो जाएगी। आइए बैठिए। नहीं, तुम्हारा सोडा बहुत अच्छा होता है, थकान शायद दूर भी हो जाए, लेकिन इस वक्त रात को पिएंगे सब दोस्तों के साथ आराम से। हाँ ठीक, घर के लिए कुछ चाहिए तो लेके जाइए ना। अब्दुल, जब सामान चाहिए होगा तो मैं खुद बता दूंगा दोस्त, अभी तो कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ ठीक है। ऊपर वाले बच्चों की मदद करना। टप्पू चल जल्दी। हेलो, गए गए अंदर गए अंदर गए। फ्रेंड्स, हमने 6 पिज्जा मंगवाए थे और ये 5 डब्बे, एक और डब्बा कहाँ है? नारे रारे रीरा रारे रा रारे रे रारे रे रारे रे। उत्तरे, कोई एक डिब्बा मेहता अंकल के घर पे ही तो नहीं रह गया? अरे चीज की खुशबू, नहीं इस घर में काहे का चीज और कहाँ का चीज? चीज की चीज खाए हुए इतने दिन हो गए हैं तो चीज तृष्णा हो रही है मुझे। क्या? मुझे लगता है कि मैंने वो जो डब्बा था ना, मैं अंकल के टेबल के नीचे रख के मैं भूल गया हूँ। क्या किया तूने? खुशबू तो आ रही है, कहाँ से आ रही है? यार गोली, आज तू मरवाने की पूरी प्लानिंग करके आया घर से। अब क्या होगा, मेहता अंकल को गलती से भी वो डब्बा मिल गया तो हम सब बुरे फंसेंगे। पिज्जा का डब्बा, मैं तो
पहले ही कह रही थी मैं तो अंकल के घर पार्टी नहीं करते हैं। टप्पू ये सब तेरी गलती है। कौन क्या यार सुनो भी तो डांटना बंद कर। फ्रेंड्स एक काम करते हैं हम सब घर चलते फिर सोचते कि क्या करना है। चल 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 चलो चलो चलो। दरवाजा तो मैंने खोला है, कौन लेकर आया ये है घर में? छोड़ तो नहीं चुका बाबा। कौन है? देखो तुम बहुत गलत घर में घुस गए हो। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूं? मैं किसी से डरता नहीं हूं, लेखक हूं पर योद्धा भी हूं। कौन है? कोई है? कौन है? क्या टप्पू, मेहता अंकल ने घर की ठीक से चेकिंग कर ली तो हम सब पकड़े जाएंगे। अरे यार सोनू तू कैसी बात कर रही है, तो खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है। डरने वाली ही बात है टप्पू, हम सब पकड़े जाने वाले हैं। अरे हम ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे सोनू, पिज्जा का डब्बा पकड़ा जाएगा और पिज्जा के डब्बे पे हमारा नाम थोड़ी ना लिखा है। और देख सोनू अगर टप्पू सेना पे बात आई ना तो हम देख लेंगे, तू शांत हो जा अभी। कैसे शांत रहूं मैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है टप्पू। अरे माधवी वो पॉलिसी के ऊपर हॉल में ही है ना। हाँ टप्पू मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। अचानक बात काट दी, लगता है भीड़ अंकल आ गए होंगे। दोनों? हाँ बाबा। क्या हुआ, फोन पे बात कर रही थी? हाँ। किससे? वो मैं टप्पू से बात कर रही थी। अरे अभी तुम उसके घर पे थी ना, फिर से उसी से बात कर रही हो? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो काय को काय चलो, प्रोजेक्ट ठीक से हुआ नहीं है। हाँ वही, अब वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा बिगड़ गया इसलिए घबराहट हो रही है। काय थे प्रोजेक्ट बिगड़ गया? ये नक्की ना टप्पू की वजह से ही हुआ होगा, उसका काम कम और मस्ती ज्यादा होती है ना। ये आईना ना टप्पू के साथ कोई प्रोजेक्ट करना ही नहीं तुम। शाहो क्यों आप उसके पीछे पड़े रहते हो? अरे लेकिन प्रोजेक्ट बिगड़ गया उसका क्या? टप्पू की वजह से नहीं हुआ है, सबकी गलती की वजह से डब्बा रह गया। डब्बा? कौन सा डब्बा? वो डब्बा जिसमें हमने प्रोजेक्ट का सारा सामान रखा था, वो डब्बा हम लोग ना कहीं रख के भूल गए हैं और अब मिल नहीं रहा। जरूर टप्पू की वजह से गुम हुआ होगा ना? यही कहना चाहते होंगे ना? अभी ये डिब्बा छोड़िए और मसाले का डिब्बा खुल नहीं रहा है, वो खोल के दीजिए मुझे। चलिए अंदर। और सोनू बाड़ा तू टेंशन मत ले, डिब्बा मिल जाएगा। हाँ। चला। हाँ हाँ वो मैं पुलिस के पेपर लेता हूँ। टप्पू के साथ ना प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। चाहो। आलो, आलो, आलो। क्या होगा समझ नहीं आ रहा। अमान भी सब ठीक है, चीजें बिखरी भी नहीं, तो कौन आया? कोई तो आया इस बंद घर में मेरे पीछे जो ये चीज का डब्बा मतलब पिज्जा का डब्बा लेके आया है। हालत खराब कर देंगे भीड़ अंकल अगर उन्हें पता चला कि टप्पू सेना ने बाहर से पिज्जा मंगवा के खाया है। अरे टप्पू भेड़ा क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं दादाजी, प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ। हाँ वो थोड़ा सा बाकी है, वो भी हो जाएगा। एक बात कहूँ टप्पू बेटा, मुझे टप्पू सेना पे गर्व है। ऐसा हमने क्या किया दादाजी? अरे मैं सुबह से देख रहा हूँ पूरी टप्पू सेना प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत कर रही है, और सिर्फ थोड़ा सा ही काम बाकी है फिर भी तू प्रोजेक्ट के लिए कितना चिंतित है। पूरी टप्पू सेना भीड़े ने बनाए हुए नियमों का बराबर पालन कर रही है। टप्पू सेना में से कोई भी सोसाइटी से बाहर नहीं गया। सेना हो तो टप्पू सेना जैसी हो। इतनी तारीफ मत करिए दादाजी, आपको नहीं पता हम कैसे हैं। सारे नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हमने। अरे क्या हुआ टप्पू बेटा, फिर किस सोच में पड़ गया? अब कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि आप टप्पू सेना से कितना प्यार करते हैं। तो प्यार तो करूंगा ही ना, मेरी टप्पू सेना है ही ऐसी। चल मैं टीवी देख रहा हूँ, कुछ काम हो तो मुझे बोलना। हाँ हाँ ओके दादाजी। यहाँ टप्पू सेना इतना बड़ा कांड करके बैठी है और दादाजी टप्पू सेना की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। बहुत डर लग रहा है, ये सब कुछ उस गोली की वजह से हुआ है। कोई बहाना नहीं सूझ रहा है,
पकड़े जाएंगे तो क्या कहेंगे? वाह बेटा, उल्टी किताब पकड़ के पढ़ रहा है। मतलब पढ़ाई का नाटक कर रहा है तू? नहीं नहीं, नाटक क्या कर रहा हूँ, वो तो मैंने जानबूझ के उल्टी किताब पकड़ी है। वो उल्टी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्यों? आपको नहीं पता क्या? नहीं मम्मा, वो ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे उल्टी किताब पढ़ सकते हैं ना, वो सॉलिड जीनियस होते हैं। तो मैं जीनियस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बेबी कितना होशियार है, and there's absolutely no doubt about it. अच्छा बेबी, मैंने आज तुम्हारे लिए खास चीज सैंडविच बनाया है। लेकिन मम्मा, जगह कहाँ है? अरे इतनी जगह तो है, रख के खा ले। नहीं नहीं मम्मा, मेरा मतलब है पेट में जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेबी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? लाइफ में तू पहली बार चीज सैंडविच खाने से मना कर रहा है। तेरा पेट कितना भी भरा क्यों ना हो, चीज सैंडविच के लिए तू पेट में जगह बना ही लेता है। कैसे बताऊं मम्मा कि भर भर के डबल चीज पिज्जा खाया है। कहाँ खो गया बेबी, क्यों नहीं खा रहा सैंडविच? खा ले। मम्मा आपको बताया था ना, वो टप्पू के घर पे मैंने खाना खा लिया है, भूख नहीं है। और वैसे भी आपको सुबह बताया था ना, I'm cutting down on carbs. देख गोली, तू मुझे वो carbs और calories के बारे में मत बोला। मैंने तुम्हारे लिए चीज सैंडविच बनाई है तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, वरना मैं मेरे हाथों से खिलाती। मम्मा जेन्युइनली पेट में जगह नहीं है। देख गोली, अगर तूने सैंडविच नहीं खाया ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। चल पकड़, प्लेट पकड़, खाना शुरू कर, अभी खा। स्माइल बेबी। खा लूंगा मम्मा। बेबी एंजॉय। क्या मुसीबत है, आज तो एक इंच भी जगह नहीं है, ऊपर से ये सब, ये सैंडविच तो गले से बिल्कुल नहीं उतरेगी। एक तो पेट में जगह नहीं है, ऊपर से पकड़े जाने का डर है। भगवान बचा लेना, कहीं पकड़े ना जाए बस हम लोग। पकड़े जाएंगे हम, पकड़े जाएंगे हम, पक्का पकड़े जाएंगे। मैं ऑलरेडी इतना डरा हुआ हूँ, तू मुझे और क्यों डरा रहा है? अरे डरूंगी तो और क्या करूँ गोगी। वैसे तो ये गोली इतना स्मार्ट बनता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी उसने? पिज्जा का डब्बा मैं अंकल के घर पे भूल गए। मैनू तो लग रहा है कि मैं तो अंकल पक्का पता लगा कर ही रहेंगे कि उनके घर पे कौन आया था। चीज भी सही सलामत है, कुछ बिखरा भी नहीं है, तो कौन हो? अब्दुल को पूछता हूँ, उसने किसी को देखा क्या आते हुए? पकड़ा गया, आज मैं पकड़ा गया। लगता है मेहता सबको पता चल गया है कि टप्पू सेना ने उनके घर में पिज्जा पार्टी की है, इसलिए मुझे फोन कर रहे हैं। नहीं नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा। अगर फोन नहीं उठाया तो गड़बड़ हो जाएगी, उठा लेता हूँ। हेलो। हाँ अरे हेलो बोलो, छोड़ अब्दुल, मुझे एक बात बता कि तूने सोसाइटी में किसी अनजान आदमी को आते हुए देखा है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है अब्दुल, सुबह मैं ऑफिस गया हूँ घर लॉक करके, अभी मैं जब लौटा मैं घर में घुसा तो मुझे लगा मेरे पीछे जरूर इस घर में कोई आया है। तूने किसी को देखा क्या आते हुए? आपके पीछे से? आपके पीछे से कोई क्यों आएगा? अंजलि सहेली के यहाँ से आके वापस तो नहीं गई कहीं? अब्दुल तूने अंजलि को देखा क्या आते जाते? नहीं मेहता साहब, अंजलि भाभी नहीं आई। क्यों मेहता साहब, क्या हुआ? आप घबराए हुए से लग रहे हैं। कौन घबराया हुआ लग रहा है भाई? कौन घबराया हुआ लग रहा है? आप घबराए हुए लग रहे हैं। अरे भाई बोला ना, मैं कोई घबराया हुआ नहीं हूँ। ये तू घबराट छोड़, मुझे एक बात बता, तूने किसी अनजान आदमी को सोसाइटी में आते देखा क्या? क्या जब तू कंपाउंड में आया हो मेरे घर के आसपास किसी को देखा क्या? मेहता साहब, भिड़े भाई ने मुझे सवेरे से ड्यूटी देके रखी है कि कोई भी सोसाइटी में आना जाना नहीं चाहिए। मैंने तो किसी को भी आपके घर की तरफ जाते हुए नहीं देखा है। फिर भी हो सकता है कि मैं इधर उधर हुआ हूँ और कोई आ गया हो। इधर उधर मतलब? मतलब कि कोई दुकान पे ग्राहक आया हो
और नजर से बचकर अंदर चला गया हो, ऐसा कंफर्म नहीं है? हो सकता है। अरे भाई क्या कंफर्म नहीं है और क्या हो सकता है, तुम कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं? जब तुम्हें ये ड्यूटी दी गई है कि तुम ये देखो कि कोई अंदर ना आए और उसके बाद भी कोई आ जाता है अंदर। लेकिन बात क्या है, आप परेशान लग रहे हैं। यार परेशान होने की बात है अब्दुल, मैं घर में आया, मुझे घर के अंदर पिज्जा का खाली बॉक्स मिला। मतलब कोई तो आया ना पीछे यहाँ पे। क्या हुआ? हिचकी आ रही है। तुझे हिचकी क्यों आ रही है अचानक? पता नहीं क्यों हिचकी आ रही है, लगता है कोई याद कर रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आपके घर पे पिज्जा का डब्बा आया कैसे। मैं भी यही सोच रहा हूँ अब्दुल, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन आया होगा, किसने रखा होगा ये डिब्बा। क्योंकि देखो सब कुछ ठीक ठाक है, दरवाजा बिल्कुल मैंने खुद खोला, खिड़की दरवाजे सब ठीक है, कोई चीज बिखरी भी नहीं है, कोई चीज चोरी नहीं हुई है, सब कुछ जो का त्यों है। तो कौन आया होगा? समझ में नहीं आ रहा है पिज्जा का खाली बॉक्स आया कैसे, कहाँ से? मेहता साहब अब आ ही गए तो सोचने की क्या बात है। सोडा भिजवाओ। अरे नहीं भाई सोडा छोड़ तू, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी अनुपस्थिति में पीछे घर में कौन आया तब तक गले से कुछ नहीं उतरेगा मेरे। अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ हाँ मैं पानी पी लेता हूँ। अरे बाप रे, इन बच्चों ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी, पिज्जा का डब्बा अंदर छोड़ दिया। अगर टप्पू सेना पकड़ी गई तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। टप्पू को फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल भाई कहिए। अरे क्या कहिए, अरे तुम लोगों ने कुछ कहने के लायक रखा ही नहीं है। क्या हुआ? अरे तुम लोगों ने पिज्जा का खाली डब्बा मेहता साहब के घर पे छोड़ दिया है। हाँ अब्दुल भाई पता है, वो एक्चुअली गलती से वहां रह गया। क्या होगा टप्पू, हम सब पकड़े जाएंगे। देखिए अब्दुल भाई इस बारे में मैं भी बहुत देर से सोच रहा हूँ, हम बिना बात के घबरा रहे हैं। अरे घबराने वाली बात ही है टप्पू। लेकिन अब्दुल भाई मेहता अंकल को कैसे पता चलेगा कि वो पिज्जा का बॉक्स टप्पू सेना ने वहाँ छोड़ा है, उस पे हमारा नाम तो नहीं लिखा ना। अरे टप्पू तेरी बात सही है, लेकिन मेहता साहब कह रहे थे कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरे घर में पिज्जा का डब्बा आया कैसे। हाँ तो उन्हें पता करने दीजिए ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए अब्दुल भाई मेहता अंकल खुद ही परेशान होकर डब्बा फेंक देंगे और बात वही के वही खत्म हो जाएगी, हम बेकार में बात का बतंगड़ मना रहे। ठीक है ठीक है, कुछ हुआ तो संभाल लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्दुल भाई आप शांत हो जाइए, मेहता अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, कहीं टप्पू सेना के चक्कर में मैं इन्हें फंस जाऊं। कुछ ठीक है, फिर कौन लेके आया पिज्जा का डब्बा? ये अब्दुल से कोई चूक हुई है, अंजलि जरूर आई होगी, अंजलि को फोन करके पूछता हूँ। हाय अब्दुल भाई। अंजलि भाभी आप आ गई? मैं आ गई, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। अंजलि भाभी भी आ गई, लगता है आज कुछ बड़ी मुसीबत होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, अंजलि को फोन नहीं लगाता, अंजलि को लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैंने ही पिज्जा खाया और बचने के लिए सब कहानी सुना रहा हूँ। उससे बताना खतरे से खाली नहीं है, मैं डब्बा ही बाहर फेंक देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। जब चाहिए था नसीब का साथ तब वो सो गया, और जिसका डर था वही हो गया। अंजलि ने पिज्जा का बॉक्स मेरे हाथ में पाया है, उसे लगता है पिज्जा मैंने खाया है। करे कोई भरे कोई, भाई टप्पू सेना ने जम के पिज्जा पार्टी की सबके साथ और पकड़े गए हम रंगे हाथ। अंजलि ने सुबह ही मुझे धमकी दी थी कि डाइट नहीं टूटनी चाहिए, अब क्या होगा? जो हंगामा टप्पू सेना के लिए होने वाला है अब वो मेरे लिए होगा, यही होने वाला। भाई अंजलि कभी नहीं मानेगी कि मैंने पिज्जा नहीं खाया, और मैं तो कैसे मानूंगा कि मैंने पिज्जा खाया है? अब क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होगा, और विस्फोट ऐसा होगा क्या फंसते कहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
इतने ही है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.